हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फॉर्मर WWE चैंपियन दी फिनोमिनल वन एजी स्टाइल्स के बारे में, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजी स्टाइल्स के रिटायरमेंट के बारे में, जो कि WWE की तरफ से एक तरह का टीज कर दी गई है, और साथ में हम बात करने वाले हैं एजी स्टाइल्स के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो देख इस बात की शुरू करते हैं। तो जैसा हम सभी ने देखा सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू से जस्ट स्मैकडाउन लाइव में एपिसोड में किस तरह से एजी स्टाइल्स अपनी WWE की चैंपियनशिप को हार गए थे, जिसके कारण डैनियल ब्राइन ने फेस किया था ब्रॉक लेसनर का, और एजी स्टाइल्स हमें उस मैच में कम्पीट करते हुए नहीं नजर आए थे। लेकिन जो स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड था सर्वाइवर सीरीज के बाद, वहां पर भी हमें एजी स्टाइल्स आते हुए नजर नहीं आए। और रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था किस तरह से एजी स्टाइल्स को मिक्स मैच चैलेंज सीजन 2 से भी निकाल दिया गया, और वहां पर अब एजी स्टाइल्स की रिप्लेसमेंट हमें जेफ हार्डी से देखने के लिए मिलेगी। तो बात कर ले एजी स्टाइल्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो हर सुपरस्टार को WWE में कंपीट करने से पहले, रेसल करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एक्सपायरी डेट होती है, या फिर कहूँ जिस तरह से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक उसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सपायरी डेट होती है। और एजी स्टाइल्स करीबन 3 साल पहले हमें WWE के अंदर दिखाई दी थी, और जो एजी स्टाइल्स की एक्सपायरी डेट है कॉन्ट्रैक्ट की, वो है करीबन अप्रैल में, क्योंकि हमें रॉयल रंबल में एजी स्टाइल्स का WWE का डेब्यू देखने मिला था, और रॉयल रंबल हमें जनवरी के टाइम दिखाई देता है। तो बात कर ले एजी स्टाइल्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो अपडेट्स माना कुछ इस तरह से कि जो एजी स्टाइल्स का न्यू कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसमें एजी स्टाइल्स ये चाहते हैं कि उनका जो स्केड्यूल है, जो उनका शेड्यूल है, और उनके जो रेसलिंग के मैचेस है, वो काफ़ी ज़्यादा उस शेड्यूल में कम हो, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि जो उनका टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली के साथ स्पेंड करें, ना कि WWE में रेसल करें। और वो चाहते हैं कि जिस तरह से रैंडी ऑर्टन का शेड्यूल है, रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक उसी तरीके से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी चाहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एजी स्टाइल्स अब इस बात को कह सकते हैं कि 3 साल में लगातार रेसल करने के बाद अब उन्हें फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि बीच में हमें देखने था एजी स्टाइल्स काफी ज्यादा बिजी हो गए थे। वो हर जगह अपनी WWE चैंपियनशिप को हेल्ड करते हैं, हर जगह अपनी चैंपियनशिप को ले जाते हैं, हर जगह डिफेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एजी स्टाइल्स पर मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा एक बोझ बन गया था, और वो अपनी फैमिली से बिल्कुल भी मिल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण अब एजी स्टाइल्स ने अपने टाइटल को खुद ही ड्रॉप करवाया है। और आपको बता दो, बैक स्टेज न्यूज़ का यही कहना था कि एजी स्टाइल्स का ये आइडिया था कि वो अपने टाइटल को ड्रॉप करे डैनियल ब्रायन के खिलाफ। तो यहां पर हम कह सकते हैं एजी स्टाइल्स को टाइटल भी नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें अपनी फैमिली चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर WWE इस बात से राजी नहीं होती तो हमें एजी स्टाइल्स WWE को लीव करते हुए नजर आ सकते हैं अप्रैल में, यानी कि रॉयल रंबल में या फिर रेसलमेनिया में, और उसके बाद हमें एजी स्टाइल्स कभी भी WWE के अंदर दिखाई नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा बुरी न्यूज है एजी स्टाइल्स के फैन के लिए, फिनोमिनल फैंस के लिए, कि अब एजी स्टाइल्स हमें स्मैकडाउन लाइव में दिखाई नहीं देंगे अगर आगे ऐसी चीजें चलती रही WWE के साथ। इसके अलावा रिसेंटली WWE ने अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड की थी, और वो वीडियो थी एजी स्टाइल्स के 365 डेज की, उनकी टाइटल रिन की। तो यहां पर एजी स्टाइल्स खुद भी इस बात को कहते हैं कि वो इस बात को एश्योर नहीं कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में उनका क्या होने वाला है। वो WWE में इसलिए आए थे ताकि वो चीज़ों को, कुछ बड़ी चीज़ों को हासिल कर सके, और उन्होंने वो सभी चीज़ें हासिल कर ली हैं। उन्होंने WWE चैंपियनशिप को जीता, उन्होंने अपने होम टाउन में कम्पीट किया है, उन्होंने एक मैच लड़ा ब्रॉक लेसनर के साथ, उन्होंने एक मैच लड़ा है डैनियल ब्रायन के साथ, जो कि हमेशा से ही उनके ड्रीम मैचेस थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एजी स्टाइल्स भी और WWE खुद भी इस बात को टीज कर रही है इस वीडियो के बाद, कि कहीं ना कहीं एजी स्टाइल्स हमें WWE को जल्दी लीव करते हुए नजर आ सकते हैं, और हो सकता है हमें एक एजी स्टाइल्स के ऑफिशियल रिटायरमेंट दिखाई दे। तो ये बैड न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि एजी स्टाइल्स इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एजी स्टाइल्स के कारण लोग स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड देखते हैं, और अगर स्मैकडाउन लाइव में एजी स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार ये रहने वाले, तो वहाँ पर हमें कोई और सुपरस्टार कंपीट करता हुआ नजर आने वाला, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एजी स्टाइल्स की फिर भी कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं एजी स्टाइल्स के 365 डेज के बारे में, जो कि उनकी टाइटल रेन रही थी, और एजी स्टाइल्स की WWE लीव करने के बारे में आपका क्या कहना है। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रिमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलते रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।